अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूना में कल एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। एक ही खानदान के 5-6 अफराद आबशार में बह गए। अचानक से पानी आया और वो लोग बहुत, मतलब आप उनके मनाजिर देखिए, चीखते पुकारते इन्हें बेचारे एकदम आंखों के सामने बहते हुए चल गए। और ये कोई पहला वाकया नहीं है कि ऐसे हादसात में, बहुत सारे हादसात ऐसे हुए हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, देखिए मानसून का टाइम है, जब भी आप घूमने जाएँ तो अपनी जान की हिफाजत पहले देखें। एक अच्छी जगह, ऐसी जगह, महफूज जगह नहाए धोएं, इंजॉय करें, जहाँ पर कम से कम जान का खतरा ना हो और अगर अचानक बाढ़ आने का खतरा ना हो। ये चीज़ हम पर फर्ज। और ये इंजॉयमेंट के चक्कर में क्या होता है, ये बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, बहुत सारे ऐसी क्लिप मौजूद है। तो आप जब भी जाएँ, कहीं भी जाएँ, अपनी जान की हिफाजत करें, महफूज मुकाम पर रहें। खासतौर से नदी नालों आबशारों में भागे दौड़े नहीं, पत्थर से सर टकरा जाता उससे भी कितनी अमवात हुई है, बहना तो दूर की बात है। ये सब चीज़ें हम पर ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों को समझा, हम खुद भी एहतियात करें। हमारे यहाँ भी नदी नालों में कितनी जाने जा रही हैं, गिरना डैम पे गई, गिरना नदी में तो आए दिन वाकयात होते हैं, मनियार डैम पे हुए हैं, ललिंग पे हुए हैं। तो अपनी जान की हिफाजत करें, अपनी जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। हम जिंदा रहेंगे तो ज़िंदगी भर अच्छी से इंजॉय कर सकेंगे। लापरवाही बिल्कुल न करें अल्लाह के वास्ते, देखिए कोई भी चीज़ में लापरवाही न करें। बच्चे बाइक चलाते हुए भी अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, ड्राइविंग करते हुए भी डालते हैं, हर चीज़ में डालते हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ अल्लाह के वास्ते अपनी जान की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी रहें, दूसरों को भी तंबीह करें अगर आप ऐसी कोई जगह पर किसी को देखते हैं तो। इस बात का बहुत ख़ास तौर से ध्यान रखें प्लीज़, अल्लाह के वास्ते, अपने खानदान के वास्ते, अपने बच्चों के वास्ते मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे।